I thought we could be here forever. Now it seems that we're lost in a memory. So I've been waiting for excuses. I don't. So guys, यहाँ पर अपन आए अभी जंगल साइड एरिया में, और यहाँ पर बढ़िया धूप वूप भी अच्छी आ रही है। यहाँ पर देखो सन है, एकदम सनसेट का माहौल है, और सामने भाई हमारे दोस्त हैं, और तीन बाइक दिख रही भाई, अलग ही लग रही है। तो अभी चलते हैं पास में, क्योंकि वो वीडियो बना रहा है, उसका भी यूट्यूब चैनल है, इसलिए ये देखो ये देखो भाई, अलग ही एकदम गाड़ी है ये, तीन तीन हेलमेट। ये इसलिए है कि यहाँ पर एक गाड़ी सामने खड़ी है ब्लैक कलर की, और ये कि यहाँ पर तो तीन हेलमेट ये साथ में है, और हमारे पास हमारे साथ हैं दोस्त हमारे, और भाई का नाम गौरव, गौरव उसका तो देखे होंगे कभी कभी आप, रोहित चौहान, इंस्टा आई डी जरूर। सो गाइस देखो यहाँ पर कैसे हेलमेट जमाया जा रहा है, ये तो मेरा ही है। ये देखो अभी तक वीडियो बन रही थी तो अच्छे से जमाए नहीं थे, नहीं ले आएगी भाई। सो गाइस यहाँ पर देखो ये है व्हाइट कलर की मॉडिफाइड CBR 150R, और सामने जो खड़ी है स्टॉक वाली, मतलब जो कंपनी बनाती है वही है। सो यहाँ पर देखो दिखाता हूँ आपको, ये पूरी बाइक का लुक ऐसा है पूरा, लग रही ना एकदम मस्त। और यहाँ पर इसका हेलमेट एकदम सेम एज इट इज़ है, मैच कर रहा है। और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इसमें लगा है, मॉडिफाइड है तो ये पता नहीं क्या है। और यहाँ पर दिया है मोबाइल होल्डर का, यहाँ पर मिरर देख लो, बहुत क्लासी लग रहा है यहाँ पर सामने, और हजार्ड भी लगा है। और चलते हैं पीछे, पीछे चलते हैं भाई, यहाँ पर देखो स्टिकर्स लगा है, ये टाइटेनियम का नहीं है ये मत सोचना। और यहाँ पर लगा है फ्रेम स्लाइडर, सो ये प्रोटेक्ट करेगा गाड़ी को, मतलब गिर जाती जब तो ये प्रोटेक्ट करता है बढ़िया से। और ये लगा है थोड़ा सा विंड के लिए। सो गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर चैन को मतलब टाइट रखने के लिए ये चीज़ लगा है सामने। और यहाँ पर ये सोफीस मतलब वो नहीं है, मतलब अलग से कुछ इसमें होगा, पर ये ऐसे ही दिखाने के लिए ये लगा है। और यहाँ पर इंडिकेटर देखे तो RS टाइप का ही है। एक सेकंड गाइस सॉरी, यहाँ पर जो दिख रहा है इंडिकेटर, ये KTM का ओरिजिनल वाला है, ये नया लगा है। और यहाँ पर पॉलीथीन भी नहीं निकली, देखो इतना नया है। और सामने देखो भाई, यहाँ पर ट्रैक बर्नर लिखा है, और यहाँ पर इंस्टाग्राम का ID भी है कहीं पर, मैंने देखा था ये रहा। तो भाई की जिसकी गाड़ी है वो है ये, इसका आईडी है द ट्रैक बर्नर, और ये 250 भाई लिखवा दिया गया है, क्योंकि ये बड़ी लग रही है। देखो वो देखो सामने रखी है ये वाली, ये पतली पतली सी लग रही है, ये कितनी बड़ी लग रही है भाई, वाइड लग रही है एकदम से, तो इसलिए 250 लिखाया गया है। और तो यहाँ पर थोड़ा सा जो मोटो GP रहती ना भाई, वैसा ही पूरा लुक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो कलर है ब्लू एंड रेड का, इसमें जो बता दूँ कि जो ये पूरा पेंट नहीं है, ये पूरा रैप है, पूरा रैप कराया गया है, ये जो भी कलर है वाइट। और सामने से लुक ऐसा है इसका, तो तीनों बाइक में भाई देखो, तीनों बाइक में क्या ही लग रही है वो वाली वाइट वाली, एक नंबर लग रही है। तो किसी को मॉडिफाई कराना तो भाई ऐसे ही कराओ, मजा आ जाएगा। सो और गाइस इसमें कुछ बताने को है नहीं, इसका मतलब एग्जॉस्ट में कुछ काम नहीं हुआ है, जो स्टॉक में आता वही है। और अगर अलग से होता तो मैं सुनाता, पर वही है सेम होंडा का CBR जो रहता है उसी का ही है। सो यहाँ पर टायर देख रहे हो तो ये भी थोड़ा सा वाइड है एज़ कम्पेयर टू दिस, ये देखो। सो अच्छी लग रही है भाई, मतलब आपको बनवाना है तो ऐसे भी बनवा सकते हो, यहाँ पर GoPro भी लिखा है। सो गाइज ये ऐसा ही था पूरा वीडियो, मतलब आज मुझे दिखाना था मॉडिफाइड बाइक, और बहुत ही बेहतरीन लग रही है भाई, फ्रेंड की है, और मज़ा आ जाएगा भाई, आप भी बनवाओगे ऐसे तो। मैं तो अभी नहीं सोच रहा बनवाने को ऐसे, पर ये अलग ही लग रही है यार, आप भी बताना कमेंट करके कि कैसा है ये बाइक का मॉडिफाइड। सो
यहाँ पर अभी तो व्लॉग एंड नहीं कर सकता मैं, थोड़ा सा अभी घर जाऊंगा तब एंड करूंगा। सो आप बताना। You know that I've been through this, waves of crashing scars and bruises. I don't think that I can do this. I don't think that I can do this. When these waves come crashing down, and my feet won't